हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे एंड फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। और अभी जो हो रहा है, दिन का टाइम हो रहा है, तो बहुत अच्छे से आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। खूब अच्छी प्यारी सी धूप खिली हुई है और धूप भी हम लोगों ने खूब सेक ली है। आजकल हम धूप में बैठे रहते हैं। यहाँ पे जो ये बाहर का ये है ना, यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ हम चटाई लगा के आराम से बैठते हैं, धूप सेकते हैं और इस बीच जो है दिन के खाने की तैयारी भी करते रहते हैं। और तो अभी जो है ना, खाना तो बन चुका है, लंच बन चुका है, लेकिन जो है ना पतिदेव को आ रहा है बहुत ही ज्यादा बुढ़ापा, तो इनका इलाज करेगी इनकी वाइफ है ना। और इधर अक्कू, अक्कू देखो क्या करिए। अक्कू क्या कर रहा? आप खेल रहा हूँ, खेल रही हो? तो ये देखो अक्कू यहाँ पे खेल रही है। और इधर जो है पतिदेव अपने जो है ना बुढ़ापे को छुपाने का राज लेके आए हैं। राजी है वो, इंतजाम कर रहा हूँ। हाँ तो ये राजी हुआ ना, फिर छुप जाएगा आपका बुढ़ापा। तो इधर जो है दिखाना जरा क्या कर रहे हो आप? मेहंदी है, मेहंदी कलर है, कलर है। कलर को मेहंदी तो बोलते हैं। तो ये देखो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अक्कू पापा क्या कर रहे हैं? काम। क्या काम कर रहे हैं बताओ? पापा ना जो ना है ना वो बुरा ना इनको ना मिस कर दे। अच्छा ये क्या कर रहे हैं, क्या लेके आए पापा, दिखाओ जरा। एक गोदरेज की ब्लैक मेहंदी है, ब्लैक क्योंकि मेरे बाल हो गए व्हाइट। ये देखो दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको इनके बाल। शर्म लग रही है। ये देखो बाल सफेद सफेद, कितने सारे सफेद बाल हो रहे हैं आपके। तो आज जो है इनके बालों में मेहंदी लगाई जाएगी और इनका जो बुढ़ापा है ना वो छुपाया जाएगा। कितने साल की हो आप बताओगे? एज बताओगे अपनी? वैसे कोई बताता नहीं है। 30 अच्छा थोड़ा और कम करके बता दो। 30 तो है, झूठ मत बोला करो। कितनी है फिर बताना? कितनी है मेरी जो वो है ना बर्थ डेट वो है 25/5/88। अब बाकी आप लोग कमेंट में बताओ कितनी होगी। कितनी होगी बताना दोस्तों, कमेंट में बताना कितनी है। 1988। तो ये देखिए आज का मौसम बहुत ही सुंदर है और पहाड़ों पे भी खूब अच्छी प्यारी सी धूप खिली हुई है। और सामने के पहाड़ जो है ना अच्छे से दिखाई नहीं देते, केले का पेड़ जो आ जाता है बीच में। और इधर ये काफी बड़े बड़े पेड़ हैं। ये जो सामने पेड़ है ना, ये है आंवले का पेड़, ये वाला जो है, तो उसमें काफी आंवले भी लगे हुए हैं। और ये वाला तो बड़ा सा, तो पता नहीं किस चीज का है ये वाला। मुझे देना, ये देखना आपको लगाएगी। देख आपको लगाओ पापा की। ये देखो मैं पूरा लगा देता हूँ, एक ही जगह में पोत दिया सारा। ये लगा थोड़ी रही है, एक ही जगह में इकट्ठा कर, प्लास्टर थोड़ी करना है। पूरा ही तो लगाई हूं। तो जब थोड़ा यहाँ पे लगाना है, बचेगा थोड़ा सा, ठीक है? पहले ही लगा दे। हाँ मुझे लगाना था। ऐसे लगाते बच्चे, देख यहाँ देख, बाल सारे थोड़ी ना काले हो रखे हैं, कुछ कुछ काले हो रखे हैं, काले नहीं सफेद। सॉरी। तो अभी जो है ना अपने बालों पे जो है ना कलर लगा रहे हैं और जहाँ तक इनको मतलब कंफर्टेबल लगेगा ये लगाएंगे। उसके बाद जो है ना अगर इनका हाथ साइड तक या पीछे तक नहीं पहुंचेगा तो वहाँ फिर मैं लगाऊंगी इनके वो कलर, क्योंकि फिर ये लगा नहीं पाएंगे ना, जहाँ तक इन्हें शीशे में दिख रहा होगा ना वहाँ तक तो ये लगा लेंगे। ये देखो और आपको जिद कर रही है कि वो लगाएगी पापा के मेहंदी। तो मैं भी अपने पापा की लगाऊंगी। क्या हुआ पापा की? सफेद हो गए बाल। पहले बताओ पापा की क्या हो? प्रिंसेस। और पापा क्या है आपके? पापा। और मम्मा क्या है आपकी? मेरी ना पिंकी मम्मी। मेरी पिंकी मम्मी। अब पापा इसी इसने यहाँ लगा दिया। क्यों लगा रहा है? उसे खराब कर देगी सारा, दिख रहा है उसने सारा ही लगा दे यहीं पे ही। और सामने सामने पूरा खत्म कर दे कटोरा। अभी रुक जाए शहर में, अभी मम्मी शहर में तो लगा नहीं। नहीं यहाँ लड़ाई हो रही है दोनों बाप बेटी में। नहीं जो है ना आगे लगा लिया और साइड साइड में लगा लिया, लेकिन पीछे इनका हाथ नहीं पहुंच रहा था। हाथ नहीं पीछे, आइडिया कैसे आएगा? हाँ और फिर इसलिए जो है ना मैं लगा रही। थोड़ा ऊपर करो सर,
ज्यादा तेज नहीं है तो छींटे पड़ते हैं इसकी जरूरत। इतना बुढ़ापा आ गया आपको बताओ हैं? पहले नहीं था ये, शादी के बाद ही आया। अच्छा पापा दिख रहा आप? आपकी राखी भी साथ में दिख रही। राखी? हाँ, जब आप आपकी शादी हुई थी ना तब तो कभी नहीं दिख रहा था सफेद बाल। हाँ उस समय थोड़ी आपको भी कह रही है पापा की शादी के बाद ही बाल सफेद दिख रहे हैं। आपको भी अपने पापा की पूरी साइड लेती है भाई। तो उनके ना पूरे में बालों में कलर लगा दिया है और उम्मीद करते हैं कि अब ये जवान दिखने लगेंगे। तो बाकी तो जो है ना बाल धोने के बाद ही पता चलेगा। और दो बच चुके हैं तो लंच करते हैं, और जब हम लंच कर लेंगे उसके बाद इनके बाल भी सूख जाएंगे जितना देर मतलब कलर को रखना है। तो फिर उसके बाद जो है ना वॉश करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जवान हुए कि नहीं हुए। आपको क्या लग रहा पक्का जवान होंगे या नहीं होंगे आप? जवान तो मैं हूँ। किसने कह दिया आप जवान हो? और ज्यादा होने वाला मेरे को ज्यादा बोलते हो ना मोटी मोटी ये वो, खुद देख लो पहले बुढ़ा बुढ़े इंसान हो आप, सबको गलत लगता है कि आप जवान हो। अब आपको लगी हुई इसने इतना पोत दिया ना, बहुत ज्यादा पोत रही है वो। चल इसके हाथ धुलाओ, चल खाना खाते हैं। तो अब जो है ना हम करते हैं लंच और उसके बाद जो है ना ये बाल वॉश करेंगे अपने। हैं इसके हाथ भी धुलवाना। क्या खाना? खाना तो मैंने बना रखा था और ये ना मार्केट गए थे अपने लिए कलर लेने गए थे, तो उस बीच मैंने जो है ना खाना तो बना दिया था। हम दो बज गए जो है ना, मैंने बनाई है गोभी और आलू की तरी वाली सब्जी बनाई है चावल के लिए, क्योंकि दाल दाल कल भी दाल खाई थी इसलिए मैंने आज ये। अच्छा चलो ठीक है ना, थोड़े से ही देना चावल। क्यों? ज्यादा नहीं देना। कुछ खा के आए थे वहां से बाजार से? नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा बहुत दिन से। आपको लो अपना खाना ले जाओ। बस इतना बहुत है, इतना बहुत है, इतना बहुत है, इतना बहुत है। नहीं हो गया दुलाई। तो खाना खाने के बाद अभी मैं बर्तन धो रही हूं और ये मुझे ऑर्डर दे रहे हैं कि मेरे को बाल धोने के लिए गर्म पानी लगाना है। तो यार मैं इनको बोल रही हूँ कि आप लगा लो मेरे लिए, पर ये नहीं लगा रही है, तो इसलिए बर्तन छोड़ के ना मुझे पहले इनके लिए गर्म पानी लगाना पड़ेगा। तो गर्म पानी है मैं इस कैटल में रखूंगी इनके लिए, इससे बहुत जल्दी चलता है। अगर रॉड लगाऊंगी तो फिर बड़ी बाल्टी में लगाना पड़ेगा, तो इसलिए फिर इसमें जल्दी हो जाएगा। तो फिर इनको बाल धोने, बाल भी कटवा दी मैं आज, बिल्कुल हीरो बनेंगे आज तो। सलाम तसा बन गया आज, बड़े खुश होंगे कबीर जी। ये ना देखना, अभी थोड़ी देर में से पानी गर्म हो जाएगा है ना। ओके फिर आप ना बाल धो लेना मेरे बर्तन। तो अभी जो है हम लोगों ने खाना खा लिया है और बर्तन भी धो लिए हैं, उसके बाद जो है आपको एक और चीज आपके सबके साथ में शेयर करनी है। जैसे कि अक्कू का बर्थडे, अक्कू की बर्थडे के लिए आज से जो है ना एक हफ्ता रह गया, 15 तारीख है। तो 15 तारीख है, ये जो आप ब्लॉग देख रहे हैं ये कल आएगा 16 तारीख में। तो एक हफ्ता रह गया और अक्कू के लिए ना गिफ्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। कल वाले ब्लॉग में आपने देखा था कि बोल बोल बोलो बोलो किसने दिया? नानी ने कि मौसी ने? ये मौसी, मौसा ने भेजा है। मौसा ने भेजा। क्या नाम है आपकी मौसा का? शुभम। थैंक यू बोलो पहले मौसा को, एक ही चीज पे बोले सबसे पहले बताओ आपको पसंद आए ये। थैंक यू बोलो फिर मौसा को। नानी ने दिया, नानी ने। मौसी तो अभी लाएगी बर्थडे में ना, पैसे तो नानी ने दिए हैं, लेके मौसी आई थी मार्केट से। ये लो दिखाओ आप सब। मौसी अभी भेजेगी तेरे को बर्थडे। अच्छा मौसी ने दिया। मैं नानी के दोस्त नहीं। नानी की दोस्त? अच्छा तो लो मौसी, बोलो मौसी ने, मौसी ने दिया आपको कि मौसी ने दिया? दिखा दो सबको, दिखाओ दिखाओ। वाला दिखाओ पहले, दिखाओ अच्छे से दिखाओ सबको कैसा है। जो ना ब्लू है ना वो भी मौसी ने दिया। हाँ अच्छा, तो ये आया है जो है मेरी मम्मी की तरफ से। तो ये बहुत ही सुंदर सी जैकेट है और आपको के लिए ना गिफ्ट आने स्टार्ट हो गया, क्योंकि तो मौजा ही मौजा है। और ये जो शूज है ये दिए है इसके मौसा जी ने, तो आपको का शूज ज्यादा पसंद आया है। ये देखो पहनने की कोशिश।
अरे जाएंगे जाएंगे, तो आपको तो बोलो जैकेट ट्राई करवाते हैं कैसी लग रही है। आ जाओ आपको जैकेट ट्राई कराएंगे, कैसी लग रही है आपको। ठीक है डालो यहाँ, हाँ डालो। बड़ी हो गई ना? नहीं सही है। मोटी हो गई मम्मी की, मोटी हो गई। अच्छा सही है फिर, मोटी हो गई। हटो हटो, तो सकड़ी होना था मम्मी आपको। हाँ जैकेट थोड़ी बड़ी लगी होगी। ठीक है पर साइज मम्मी ना, मम्मी ऐसे ही करती है, मम्मी ना कपड़े बड़े लेते। वैसे मेरी सिस्टर नहीं है। मौसी यार, मौसी। हाँ मौसी ने, मौसी ने बड़ा साइज ले लिया थोड़ा सा, है ना। अच्छा बताओ कैसे लग रही हो, दिखाओ सबको, दिखाओ कैसे लग रहा हो, दिखाओ तो सबको। बहुत सुंदर लग रही है अक्कू तो यार। अक्कू ऐसी है, छोटी-छोटी सी बात में नाराज हो जाते हैं। और ये शूज है, अक्कू के शूज भी पहनाते हैं ना। पांव तो दिख नहीं रहे इसके जैकेट में। अरे सॉक्स बाद में पहनाएंगे ना। इसके अंदर तो हमने अक्कू को जैकेट भी पहना दिए और शूज भी पहना दिए जो अक्कू के मौसा जी ने दिए हैं गिफ्ट तो बर्थडे पे। और अभी जूते नए तो उसने हमने बेड में अक्कू को बिठा दिया है। तो अब आप बताओ अक्कू कैसी लग रही है। चलो चलो चल के दिखाओ, दौड़ के दिखाओ, दौड़ के। सही आ गए जूते भी, है ना। जूते ठीक है, वो फिटिंग के हैं, अच्छे लग रहे। तो अभी अक्कू को जो है जैकेट भी बना दी, शूज भी एकदम अच्छे आ रहे हैं, साइज ठीक है एकदम, शूज का भी। और जैकेट का थोड़ा सा बड़ी है लेकिन ठीक है, मतलब आगे के लिए भी जो है ना अक्कू के काम आएगी, वरना छोटी हो जाती। ये देखो अक्कू तो बड़ी खुश हो रही है, जैकेट पहन के जूते पहन के खुश हो रही है। तो अक्कू के बर्थडे के लिए हम अक्कू को ये वाली ड्रेस भी जरूर पहनाएंगे, क्योंकि मम्मी ने बोला हुआ है कि अक्कू को पहनाना उसके बर्थडे पे। तो और अब मैं आपको दिखाती हूँ ना पतिदेव का नया रूप। ये देखो चमक गए ना, चमक गए। अरे मस्त लग रहा है, मतलब हैं। हाँ किसने बोला मस्त लग रहा है, तुम क्या बोल बोल जो देख रहे हो बोल रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं, आप बुड्ढे लग रहे हैं कि आप जवान लग रहे हैं, हैं। बालों से थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि बुड्ढा है कि नहीं। हाँ वीडियो में नहीं दिख रहा लेकिन हम लोगों को तो दिखता है ना, सामने जो देख रहे हैं उनको तो दिखता है ना। वीडियो में थोड़ा सा दिखते नहीं आपके काले का। और देखना कलर ना पूरा कानों पे भी लग, ये तुमने लगाया। मैंने नहीं लगाया भाई, तुमने लगा रखा कानों पे भी लग गया। ये तो निकल जाएगा एक दो दिन में, निकल जाएगा। लेकिन लोग सोचेंगे क्यों लगा रखा, ऐसा बोला मेरे को नजर के लिए लगाया कि काले में बुरी नजर। बाद में अब ऐसे लग रहे, बाप रे कितने काले होंगे, है ना। दो तीन दिन में ना ये ऐसे हो जाते फिर भाई। और फिर क्या होता है जैसे क्या बोलते हैं ना, इससे फिर आप ज्यादा और भी गोरे लग, कितनी छोटी यार मुझसे। ये देखो दोस्तों ये है हमारी हाइट, मतलब मेरे यहाँ लग रहा बुरा इस पे, और इसका बिचारे का इधर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अच्छा आज के साथ बाजार में जाने में शर्म लगती है। बताऊं अभी, इसलिए मैं इसे कभी मार्केट में ना उतारता नहीं हूँ एक्टिव होने का, तुम मत चल, क्योंकि ऐसे लगती ना जब फुटबॉल चलता फुटबॉल। पल्टन बाजार में कई बार ऐसा हो जाता है ना, ऐसा लगता है कोई हाथ पकड़ के ना छोटे बच्चे को ले जा रहा आइसक्रीम खिलाने। तो फिर मैंने कहा हट ठीक है ना, मैं जल्दी बुढ़िया नहीं लगूंगी, आप जल्दी बुढ़िया बुड्ढे लगो। वो तो दिख रहा कौन लग रहा, कौन नहीं लग रहा, रहने दो ठीक है बुढ़िया, इतनी तो लग रही। तो चलिए दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे था, और क्या कहते हैं आप सब लोगों के साथ में हमने शेयर किया आपको के लिए जो भी। चलिए कहाँ चलेंगे, वो तो घर में। तो आपको तो खुश है अपने दोस्त के साथ में घूम रही है आपको। चलो चेंज करो, नहीं यही तो हमने पहन के रखना, बर्थडे वाले दिन पहनना आपने ये नहीं, बर्थडे वाले दिन पहनना बेबी, नहीं आप भी चेंज करो। तो आज का व्लॉग जो है ना यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो क्या करते हैं, क्या करना है, लाइक शेयर। हाँ शूज आप पहन लो, लेकिन जैकेट आपको चेंज करनी पड़ेगी ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप चलो पहले बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अक्कू वीडियो पसंद आती है तो क्या करना है, जल्दी बोलो, देर हो रही है फिर घूमने जाना है। अब हाथ पकड़ के दोना। हाँ हाथ पकड़ के दोना, जल्दी बोलो अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, शेयर करना। बाय, लव यू बोलो, बाय लव।
और नानी को थैंक यू बोलो जल्दी से मौसा को। अच्छा मौसी और मौसा को जल्दी से थैंक यू बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा थैंक यू, थैंक यू, ठीक है।